आप अपने लाइफ में वर्ड लास्ट का यूज बहुत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वर्ड लास्ट एक वर्ब है, एक एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव है, और इन सभी सूरत में इनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो आइए फ्रेंड देखें कि किस कंडीशन में आप वर्ड लास्ट का कैसे इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज की लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ड लास्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टिकाऊ। जैसे अगर आपको कहना हो यह शर्ट बहुत टिकाऊ रहेगा या बहुत चलेगा, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस शर्ट विल लास्ट लॉन्ग। यहाँ वर्ड लास्ट लॉन्ग का मतलब है कि बहुत चलेगा या बहुत टिकाऊ रहेगा। अगर आपको कहना हो कि यह कुर्सी बहुत चलेगा या बहुत टिकाऊ रहेगा, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस चेयर विल लास्ट लॉन्ग, यानी यह चेयर बहुत टिकाऊ रहेगा, बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा। यह मोबाइल बहुत दिन तक चलेगा या बहुत दिन तक टिकेगा, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग, यानी यह मोबाइल बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा या टिकेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया। वर्ड लास्ट जब एक वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है टिकाऊ या चलना। जब वर्ड लास्ट का इस्तेमाल हम एक एग्जेक्टिव के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है आखिर या अंतिम। यानी जब वर्ड लास्ट का यूज हम किसी नाउन के पहले करते हैं तो ये बन जाता है एक एग्जेक्टिव और इसका मतलब होता है अंतिम या आखिर। जैसे अगर आपको कहना हो कि वो अंतिम आदमी था, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज द लास्ट मैन। अगर आपको कहना हो कि वो आखिरी पैसेंजर था, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज द लास्ट पैसेंजर। वो आखिरी दुकानदार था, ही वॉज द लास्ट शॉपकीपर, यानी वो आखिरी दुकानदार था। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि जब वर्ड लास्ट का यूज हम एग्जेक्टिव के जैसे करेंगे तो इसका मतलब होगा आखिरी या अंतिम। जब वर्ड लास्ट का यूज हम किसी वर्ब के बात करते हैं तो ये बन जाता है एक एडवर्ब और यहाँ इसका मतलब होता है आखिरी बार। जैसे मैं आखिरी बार उसे दिल्ली में मिला था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मेट हिम लास्ट इन दिल्ली, यानी आखिरी बार मैं उसे दिल्ली में मिला था। मैं आखिरी बार उसे मार्च में देखा था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई सॉ हिम लास्ट इन मार्च, यानी आखिरी बार मैंने उसको मार्च में देखा था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर वर्ड लास्ट किसी वर्ब के बाद आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर्ड लास्ट एक एडवर्ब है और जब वर्ड लास्ट एक एडवर्ब होता है तो उसका मतलब होता है आखिरी बार। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि वर्ड लास्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि एडवर्ब क्या है, एग्जेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, तो आप मेरे एप्लीकेशन पर आइए जहाँ मैंने डिटेल से बताया है। यानी आप मेरे एप्लीकेशन में ग्रामर के साथ साथ स्पोकन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाएंगे और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।